morning, Mumbai. क्या हो रहा है? Warmed up, ready to run? Tell you fantastic. I'm here to wish you all the best. बीजेपी की पूरी टीम है, वॉलंटियर्स से लेके आम लोगों से लेके जो लीडर्स हैं, उन सब में इतनी ऊर्जा भर दी है नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं सोचता हूं कि अगर वो इस बार प्रधानमंत्री बने और करोड़ों लोगों का सपना अगर पूरा हो, तो आप सोचिए कि देश में कितनी ऊर्जा होगी। जो आज के भारत के युवा हैं अक्रॉस द कंट्री, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत निराश हो गए हैं। पिछले दस सालों में बहुत निराश हो गए हैं। तो उनमें एक नई आशा जागृत करने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए ये दौड़ लगाई है। एक सिंबॉलिक दौड़ है और हम चाहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो भारत भी पूरे विश्व के आगे इसी तरह आर्थिक क्रांति में दौड़े और जहाँ हमारा सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए वहाँ वापस एक स्थान बने। मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ कि अगर आपके सिद्धांत हैं, आपके बिलीफ्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके वैल्यूज़ हैं, तो उससे फिर ये पॉलिटिकल करेक्टनेस में, ये डिप्लोमेसी में डरना क्या है। मुझे लगता है कि अगर आप सचमुच में विश्वास करते हैं किसी चीज़ में, तो उसे बोलिए। और मैंने हमेशा, चाहे उसका जो भी भरपाई मुझे करनी पड़ी अपने करियर में भी, हमेशा सच बोला है। मुझे लगा जो सही है वो सही है, तो इसी चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल, डर तो दूर की बात, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने इस देश के। हम जब किसी का साथ देते हैं तो आगे तक देते हैं। मेरी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, बट ये ज़रूर चाहूँगा कि मोदी साहब के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आए, तो ख़ासकर जो मैं पिछले 7-8 साल से औरतों के, लड़कियों के उत्थान के लिए जो काम कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, खासकर जो बहुत ही निचले वर्ग से आती हैं, आर्थिक वर्ग से आती हैं, वेरी वेरी अंडर प्रिविलेज जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए जो खास स्कीम्स लगने चाहिए, जो एक्चुअली हों, जो पेपर पे ना हो बल्कि एक्चुअल स्कीम्स हों जिससे बहुत फ़र्क पड़े, मैं चाहूँगा कि ये मेरी ये गुजारिश ज़रूर वो माने और इसमें सपोर्ट दें।